बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एके फिटनेस पॉइंट। तो गाइस, एक महीना हुआ कंप्लीट, तो आज मंडे तो हम लगाने जा रहे हैं चेस्ट का वर्कआउट वीक 5 मंथ 2। तो हमने यहां पे क्या सेटअप किया है कि इस वीक इस मंथ का जो हम वर्कआउट करेंगे वो वर्कआउट में मैंने सारे मसल को दो बार ट्रेन किया है, जैसे कि चेस्ट दो बार, बैक दो बार, बाइसेप्स ट्राइसेप्स दो बार, डेडलिफ्ट और थाइस, ये सारे चीज़ें मैंने दो दो बार इस वर्कआउट के शेड्यूल में ऐड किया है। तो जो डबल हम वर्कआउट को ट्रेन करेंगे वो अलग अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि मंडे, ट्यूजडे और वेंसडे हमको लगाने हैं हैवी रिपीटेशन, देन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हम लगाएंगे लाइट वेट। तो हफ्ते में तीन बार हम लगाएंगे स्टमक, तीन बार लगाएंगे कार्डियो। तो इस वीक में तीन बार कार्डियो होगा, तीन बार स्टमक होगा और हर मसल दो दो बार ट्रेन होगा अलग अलग तरीके से। तो तरीके क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, ये सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीक के फर्स्ट वर्कआउट से लेके सैटरडे के वर्कआउट तक। देन उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल। तो न्यूट्रिशन लेवल मैंने क्या किया है कि इस मंथ का जो डाइट है तो मैंने 50% प्रोटीन रखा है, 25% कार्बोहाइड्रेट रखा है, देन 25% फैट रखा है। तो हम लोग यहाँ पे 250 ग्राम या फिर 225 ग्राम प्रोटीन इंटेक करेंगे पर डे और 150 ग्राम के लेवल तक कार्बोहाइड्रेट लोड करेंगे, देन 150 ग्राम तक गुड फैट लोड करेंगे। तो डाइट और न्यूट्रिशन किस तरीके से रहेगा, डाइट के आपको वीडियोज मिलेंगे नेक्स्ट 2-3 दिन में, डाइट किस तरीके से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, तो सारे वीडियोस बना के अपलोड करूंगा। तो वर्कआउट का शेड्यूल हमारा मंडे टू सैटरडे, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हुए, मंडे से सैटरडे जो वर्कआउट मैं दिखाऊंगा यही वर्कआउट आपको नेक्स्ट 4 वीक तक फॉलो करना है। उसके बाद में डाइट की वीडियो तो मैंने बता दी कि डाइट की वीडियोस आपको बनाकर भेजूंगा, अपलोड कर दूंगा कि डाइट किस तरीके से ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बॉडी का बीएमआर निकाला, हाइट एंड वेट चेक किया, उस हिसाब से डाइट बनाई है। तो आप बीएमआर निकाल के अपने डाइट को मेजरमेंट करके बनाइए और खाइए। तो आज मेरा फास्टिंग है, रोजा है, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं वर्कआउट करूंगा नाइट में 10 बजे के बाद में। तो सोचा कि मैं आज सर के साथ में वीडियो बना लूं, तो इस वीक सर वर्कआउट करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है। देन उसके बाद में नाइट को अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो जो मैं वर्कआउट करूंगा वो आपको नेक्स्ट वीक के वर्कआउट में दिखाऊंगा। तो आज है मंडे, तो हम मंडे लगाएंगे चेस्ट और ट्राइसेप्स, देन ट्यूजडे लगाएंगे बैक और बाइसेप्स, देन थर्सडे लगाएंगे शोल्डर और लेग। ये 3 दिन हम हैवी वर्कआउट करेंगे, देन नेक्स्ट 3 डेज जैसे कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे फिर से हम लगाएंगे थर्सडे को चेस्ट और ट्राइसेप, फ्राइडे को बैक और बाइसेप, फिर सैटरडे को शोल्डर और लेग। तो फर्स्ट 3 डेज हैवी वर्कआउट मारेंगे, नेक्स्ट 3 डेज लाइट वेट मारेंगे। वर्कआउट अलग अलग रहेगा, अलग अलग तरीके से ट्रेन करेंगे, किस तरीके से ट्रेन करना है सारी चीजें दिखाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले चेस्ट के लिए। तो चेस्ट के पहले चेस्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे फ्लैट बेंच, जैसे कि मैंने बताया था कि हैवी मारना है। तो सर ने प्लेट लगाया इधर पे 25 kg, इधर पे 25 kg, तो टोटल लगाया है 50 kg। तो हम यहाँ पे हमारा रेप रेंज होगा 6 से 8, अगर 8 के ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले बार को सही ढंग से पकड़ना है, देन अपना बारबल प्रेस अपने हथेली पे टच रहेगा और अपना जो मिडल बार है वो अपने चेस्ट को टच होगा। किस तरीके से देखिए, चेस्ट को टच करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, लास्ट वन, वेरी गुड। तो सर ने यहां पे लगाया 7 सेट फ्लैट बेंच पे, सोना है कमर में गैप और चेस्ट को ऊपर लेना है और बार को सही ढंग से पकड़ना है। देन बिना रुके बिना रेस्ट दिए हम लगाएंगे सीटेड जिगजैग बार ट्राइसेप्स के लिए, एक
बेंच चेस्ट का लगाएंगे, एक वर्कआउट ट्राइसेप का लगाएंगे, एक वर्कआउट चेस्ट का लगाएंगे। वेट लगा रहे सर, जिगजैग बार का ट्राइसेप सर, अपने दोनों हाथों को अंदर की ओर ट्विस्ट करना है, देन बार को अपने हेड तक लेके आना है इस तरीके से। इसके भी हम लगाएंगे 7 से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वेरी गुड। तो सर ने यहां पर लगाया 8 रिपीटेशन वर्कआउट के दौरान। आपका पार्टनर आपके पीछे रहना बहुत जरूरी है सपोर्ट के लिए। देखिए जो पिछले महीने जो हमने 4 वीक वर्कआउट शुरू किया था, तो वर्कआउट जो हमने शुरू किया था हमसे 10 से 5 किलो भी उठा नहीं जा रहा था। तो 4 वीक के बाद सर का स्ट्रेंथ बढ़ा, स्टैमिना बढ़ा, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने वर्कआउट्स किए थे वो वर्कआउट्स के अंदर हमारा स्टैमिना, हमारी एनर्जी, सारी चीजें बढ़ गई। तो आज सर ने बिना सपोर्ट के लगाया बेंच प्रेस 50 kg और ट्राइसेप्स के लिए लगाया 10 kg। तो हर वीक 5 किलो से 10 किलो हम बढ़ाते जा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। तो देन नेक्स्ट वर्कआउट है सेकेंड वर्कआउट इंक्लाइन बेंच। यहाँ पर भी सर ने वेट हैवी लगा रखा है और इसके साथ भी एक मसल हम ट्राइसेप का ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे इंक्लाइन बेंच के लिए, इसको भी सही तरीके से हथेली की ओर बारबेल प्रेस को पकड़ना है, देन मिडल बेंच मिडल बारबेल को अपने चेस्ट को टच करना है। यहां पर भी हमारा रेप रेंज रहेगा 6 से 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट वन 8, वेरी गुड। तो सर ने यहां पर भी लगाया 8 रिपीटेशन, देन बिना रुके चलते हैं ट्राइसेप मसल की तरफ। तो ट्राइसेप के लिए हम मारेंगे डाउन केबल ओवरहेड या फिर डंबल ओवरहेड। तो देन ट्राइसेप के लिए हम लगा रहे हैं डंबल ओवरहेड। तो चेयर लेना है, चेयर का जो अपना बैक रहेगा, बैक अपना पूरा चेयर को टच करना है, देन डंबल को उठाना है, देन हमारा बाइसेप हमारे कान के एंगल को टच रहेगा पूरा, इस तरीके से ट्विस्ट करना है, देन नीचे लेना है इसको, स्लोली ऊपर पुश करना है। यहां पर भी सर ने हैवी वेट का डंबल, हैवी डंबल का इस्तेमाल किया है। तो इसके भी हम लगाएंगे 6 से 8 रिपीटेशन, बैक पूरा चेयर पे टच रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अपना ये ट्राइसेप का जब नीचे जाता है तो इस ये मसल ट्रेन होता है, जब ऊपर जाता है तो ये ट्राइसेप का ये मसल ट्रेन होता है। तो इसके लिए आप साथ में इसके साथ में आप केबल भी मार सकते हो इस तरीके से। जो डंबल से लगाना चाहता है वो डंबल से लगा सकता है या फिर आप केबल से भी लगा सकते हो इस तरीके से। देन पूरा हाथ को खोलना है इस तरीके से, ऊपर लेके जाके हाथ को खोलना है। देन ये भी जब नीचे जाता है तो प्रेशर इनर ट्राइसेप को ट्रेन करता है, जब ऊपर जाता है तो मिडल ट्राइसेप को ट्रेन करता है। तो इसके भी हम लगाएंगे 6 से 8 रिपीटेशन, देन चलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। देन लास्ट थर्ड वर्कआउट हम लगा रहे हैं डिक्लाइन बेंच, उसके साथ में ट्राइसेप का मसल भी लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे दिखाएंगे। देन एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट करना है बार को। जब भी हम बारबेल प्रेस को इस तरीके से पकड़ते हैं तो अपनी मुट्ठियों को ट्विस्ट नहीं करना है। अगर आप मुट्ठी ऊपर लेने के बाद में मुट्ठी को ट्विस्ट करोगे तो आपका पूरा जो प्रेशर है वो फोरआर्म्स में गिरेगा, चेस्ट ट्रेन नहीं होगा। तो इसको हमने को रखना है 90 डिग्री में, मुट्ठी को पीछे की ओर ट्विस्ट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए हाथ को पूरा बेंड भी नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट भी नहीं करना है, इस तरीके से रखना है, मूवमेंट करना है, देन चेस्ट को टच करना है। तो हमारे जो लोअर चेस्ट में जो फैट है इससे फैट कम हो जाता है ये वर्कआउट से। तो ये लोअर फैट के लिए बहुत यूजफुल है ये वर्कआउट। तो डिक्लाइन बेंच हमारा हो गया कंप्लीट, सर ने लगाए 6 रिपीटेशन शायद,
देन उसके बाद में हम लगाएंगे ट्राइसेप। तो यहां पे हम लगा रहे हैं, दो सीट लेना है, देन सीट पर बैठना है, अपने जो पैर है पैर के बाजू में इस तरीके से हाथ रखना है, देन पैर को अगले वाले चेयर पे रखना है आगे, देन नीचे जाना है, ऊपर आना है। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा इनर ट्राइसेप ट्रेन होगा, जब ऊपर आएंगे तो मिडल ट्राइसेप ट्रेन होगा। तो यहां पर आप वेट का प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 5 किलो का 10 किलो का प्लेट आप पैर के ऊपर, अरे भैया, तो यहां पर आप वेट भी लोड कर सकते हो इस तरीके से, प्लेट को नीचे रखकर नीचे जाके ऊपर आना है। इसके भी हम लगाएंगे 6 से 8। तो यहां पे होता है हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने लगाया हैवी वेट फ्लैट बेंच 25 kg, मतलब 50 kg लगाया, 25 kg वन साइड, 25 kg वन साइड। देन उसके बाद में हमने लगाया जिगजैग बार फ्लैट बेंच पे, तो इसके 6 से 8 रिपीटेशन लगाने हैं, फिर से ट्राइसेप के 6 से 8 रिपीटेशन लगाने हैं। तो हम ऐसे 4 सेट लगाने हैं, हर एक रिपीटेशन के बाद में रेस्ट पीरियड रहेगा 1 से 1.5 मिनट। एक रिपीटेशन मारना है 6 से 8 रिपीटेशन मारना है, देन ट्राइसेप्स के 6 से 8 रिपीटेशन मारना है, 1 मिनट का रेस्ट देना है। देन उसके बाद में फिर से 8 रिपीटेशन चेस्ट के मारना है, फिर से 8 रिपीटेशन ट्राइसेप के मारना है। इस तरीके से 4 सेट मारने हैं, हर सेट में रेस्ट का पीरियड रहेगा 1 से 1.5 मिनट। देन उसके बाद में मारना है इंक्लाइन बेंच के साथ में डंबल ओवरहेड, इसके भी सेम 4 सेट लगाने हैं, 6 से 8 रिपीटेशन, रेप रेंज हमारा 6 से 8 रहेगा। वेट को हैवी लगाना है, पार्टनर का सपोर्ट लेना भी बहुत जरूरी है, पीछे जो आप जिसके साथ आप वर्कआउट कर रहे हो उसे पीछे रुकाइए और हैवी वेट उठाइए। देन उसके बाद में लास्ट में हम लोग मारेंगे डिक्लाइन बेंच के साथ में ट्राइसेप मसल जो दिखाया हमने सीट पर बैठ के इस तरीके से। देन तो आज मंडे तो हम चेस्ट का वर्कआउट हो कंप्लीट, उसके साथ में हम लोग ट्रेन करेंगे हमारे एब्स को। तो एब्स को किस तरीके से ट्रेन करना है, जो एब्स आज मंडे को हम ट्रेन कर रहे हैं सेम एज इट इज इसको वेंसडे को करना है, मंडे ट्यूसडे को कार्डियो करना है, वेंसडे को एब्स करना है, फिर देन थर्सडे को अपना कार्डियो करना है, और देन फ्राइडे को फिर से एब्स करना है। मतलब इस हफ्ते में 3 बार कार्डियो होगा, 3 बार एब्स ट्रेन होगा। तो जिसके जिम में स्टमक मशीन है वहां पे उल्टा लेटना है, देन लगाने हैं क्रंचेस। किस तरीके से लगाने हैं देखिए, पैर को पूरा ऊपर उठाना है, देन बॉडी को पुश करना है, नीचे लेके जाना है, देन ऊपर बॉडी को पुश करना है। सर पहले लगा दिया, नीचे लेके जाना है, देन पूरा ऊपर बॉडी को पुश करना है इस तरीके से। तब इसके भी हम लगाएंगे 10 से 12 रिपीटेशन, 4 सेट लगाएंगे। स्टॉप इट। तो इसके भी हम लगाएंगे 4 रिपीटेशन, देन उसके बाद में लगाएंगे फ्लैट बेंच पे डंबल। किस तरीके से लगाना दिखाता हूं, सो जाओ सर। फ्लैट बेंच पे सोना है, देन एक डंबल लेना है 5 किलो या फिर 7.5 kg का डंबल लेना है, देन अपने पैर में लॉक करना है, देन दोनों पैर को ऊपर की ओर उठाना है, नीचे पुश करना है इस तरीके से पुश करना है। जो हमने क्रंचेस लगाया है वो क्रंचेस हमारे अपर मसल के लिए, अपर एब्स के लिए और लोअर एब्स के लिए, दोनों मसल ट्रेन होते हैं। देन ये जो है ये लोअर एब्स के लिए, जो वी कट आता है वी शेप के लिए ये वर्कआउट बहुत सही है। देन उसके बाद में हम लगाएंगे हैंगिंग पुल डाउन, पुल के भी हम लगाएंगे 10 से 12 रिपीटेशन के 4 सेट। जैसे हम लटकते हैं तो ऊपर थोड़ा अपनी बॉडी को खींचना है, देन स्टमक और बैक को लॉक करना है, देन पैर को ऊपर की ओर पुश करना है इस तरीके से। तो लोअर आर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन होता है, जो हमारा नीचे लटका हुआ बेली फैट है वो भी जल्द से जल्द चला जाता है। हम लगाएंगे लास्ट वर्कआउट पुट चॉपर को, तो इस तरीके से लगाना है। पहले अपना जो पुल्ली रहेगी अपनी पुल्ली को अपने शोल्डर के हिसाब से हम लॉक करेंगे, अपने हाइट के हिसाब से इस तरीके से। देन पोजीशन लेना है इस तरीके से, दोनों पैर को वी शेप में रखना है,
देन ये जो बाल रहेगा पूरा उस तरफ खींचना है, अपनी जो ये रहेगी अपना जो अपनी जो गर्दन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं बेंड करना है, बाल को पकड़ना है देन ट्विस्ट करना है इस तरीके से। अपने सही फैट के लिए और सही क्रंचेस के लिए बहुत अच्छा और एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को भी हमारे आज के वर्कआउट में अपने को ट्रेन करना है, लेफ्ट को भी लगाना है और राइट को भी लगाना है। लगाएंगे 10 से 12 या फिर 15, जितना ज्यादा करोगे उतना वेल एंड गुड, अच्छा है। तो इसके भी हम लगाएंगे 4 सेट, पहले लगाया डिक्लाइन क्रंचेस 4 सेट 15-15 या फिर 12 के, देन फ्लाइट बेंच पे डंबल पकड़ के पैर में इसके भी 4 सेट 15-15 रेपिटेशन या फिर 12 रेपिटेशन के 4 सेट, देन उसके बाद में हैंगिंग पुल डाउन उसके भी 4 सेट, देन वुड चॉपर के भी 4 सेट। तो यहां पर आज वीक फाइव मंथ टू सेकेंड मंथ का वर्कआउट डे जस्ट मंडे का वर्कआउट आज होता है कंप्लीट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट मैं कल आपको बताऊंगा कि कल जैसे कि आज हमने ट्रेन किए हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स, कल उसी तरीके से हम ट्रेन करेंगे बैक और बाइसेप्स। तो न्यूट्रिशन मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से ले रहे हैं, 50% प्रोटीन रखा है, 25% कार्बोहाइड्रेट, देन 25% फैट फूड फैट। तो उसी तरीके से मैं आपको न्यूट्रिशन जो भी ले रहा हूँ, डाइट जो भी ले रहा हूँ, उसकी वीडियो पर्सनली बनाकर अपलोड करूंगा, किस तरीके से बना रहा हूँ ये भी दिखाऊंगा इस मंथ के वीडियो में। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी नहीं कर सकते हो तो हमारा जिम है जैन बस्ती अंबाबाई गुड़ी के नेर बाजू में। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।